फिर वो कंपनी का नाम नहीं है, ब्रांड कंपनी का मैं समझा नहीं आपका क्या क्वेश्चन था। यानी ब्रांड के जो होलसेलर होते हैं, जो ब्रांड ब्रांड के, के तो हो होलसेलर सकता है वो भी डेफिनेटली कभी इतना दे होता है, देते। डेफिनेटली इतना होता है। फॉर एग्जांपल एक कोई पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी का नाम बताया मुझे। पाकिस्तान में जे डॉट और काफी है वैसे तो, सैमसंग वगैरह ये सब। सिर्फ आप कोई इंटरनेशनल ही यूनिलीवर का पूछ रहे हैं नाम, या यूनिलीवर का नाम लोकल? सुना है आपने? यूनिलीवर का जी, जो बिस्किट्स वगैरह और ये, हाँ यूनिलीवर, साबुन वगैरह, काफी सारी बिस्कुट वगैरह चीजें बनाते हैं। ये एक बहुत जी, बड़ी एक कंपनी है। शैम्पू अगर आप इस वैम्पू। कंपनी के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे जो ना एक साबुन दे दें और इसको 100 रुपये पकड़ा दें, क्या वो दे देंगे आपको? जाहिर बिल्कुल नहीं नहीं देंगे, देंगे। मकसद कि आपको सीधा मना कर देंगे। तो वो अगर आप उन्हें कहें कि मुझे आप 100 साबुन का पीस आप देंगे मुझे दे दें, तब भी नहीं देंगे आपको वो। क्योंकि उनका वो उस यूनिलीवर कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने प्रोडक्ट्स वो बना रही है, क्योंकि उनके कंटेनर्स जा रहे हैं। अब जहाँ पर कंटेनर्स जा रहे हैं वहाँ पर आपको वो 100 पीस दे के वो मतलब एक बिजनेस रिलेशन आपके साथ बना के उनको कोई इतना खास फायदा नहीं होगा। अब मुझे बताएं जहाँ पर उसके कंटेनर्स जा रहे हैं वहाँ पर आप 10 उससे 100 पीस ले लेंगे तो उनसे ना उनको नुकसान में जाएंगे ना वो फायदे में जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। सेम इसी तरह होता है यूएसए में भी। इस तरह है कि बहुत जो बड़ी बड़ी जिनके कंटेनर्स जा रहे होते हैं, जिनका सिर्फ अमेजोन एक गोल नहीं होता, उनका जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट में उनके कंटेनर्स के हिसाब से जो निकल रहा होता है, अब वो जो है ना क्या करते हैं, वो उनका जो है ना ये टारगेट अमेजोन जो है ना उनके उनकी नज़रों में छोटी सी एक कंपनी होती है। उनके अमेजोन उनकी नज़रों में एक मतलब वो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, खुद चीज़ बना रहे होते हैं, तो अमेजोन उनके 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 नज़र में एक छोटी सी चीज़ है। तो वो क्या करते हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं, मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो उनसे हज़ारों में पीस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले लिया मैंने, अब मैं उससे मैंने क्या लिया, मैंने एक कंटेनर का एक मतलब उसका अगर डिवाइड करूँ तो एक प्रोडक्ट मैंने लिया 10 रुपये का। जो कंटेनर मैंने लिया उसमें से एक प्रोडक्ट की कीमत थी 10 रुपये, ठीक है। अब आगे जो मैंने बेचनी है वो बेचनी है मैंने आपको 15 रुपये की। अब आगे आपने हमसे मुझसे लेकर आपने 100 पीस ले लिया, मैंने जो है ना 1000 पीस लिया 10 रुपये के हिसाब से, आपने मुझसे लिया 100 पीस लिया 15 रुपये के हिसाब से। आगे आपने एक एक पीस करके बेचना है एज अ रिटेलर, आपने जाके जो है ना वो 20 या 25 रुपये का या 30 रुपये का बेचना शुरू कर दिया, तो आप हर कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है। अब 5 रुपये प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, 2-3 रुपये प्रॉफिट जो है ना उसने अपना डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, 1-2 रुपये प्रॉफिट रिटेलर ने कमा लिया, ठीक है। ये सिस्टम सीन चल रहा होता है, समझ आ गई? सही, अच्छा तो बुशरा की तरफ आते हैं जी। बुशरा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी आपके क्वेश्चंस। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं सर, पूछना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चंस। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन हैं अभी इस वक्त? नहीं आपने मैं शीट अब चेक कर लूँ, एक मिनट। आपने कोई और शीट में काम कर रहे हैं या ये वाली शीट में काम कर रहे हैं आप? जी आप कौन सी शीट में काम कर रहे हैं, इस वाली में जो नज़र आ रही है आपको, इसमें सर, नहीं इधर नहीं है वो कहाँ पर है शीट? सर, वो मेरे पास है, वो जब मेरी डिलीट हो गई थी ना, उसके बाद ही मैं इसको काम किया। वो अपडेट यहाँ पर करते रहा करें ना, यहाँ पर अपडेट आप साथ साथ जैसे जैसे करें ना यहाँ पर ही करते जाए। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। पहले भी सारी डिलीट हो गई थी उधर वाली। डिलीट कैसे हो गई थी आपसे, वो कोई हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन चलें ठीक है, आप जिस तरह काम करें लेकिन अपडेट कर दिया करें, जिस एक दिन का काम अपडेट कर दिया करें। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम शमसा की तरफ। शमसा रहमान, अस्सलाम वालेकुम असलम, कैसे हैं आप? वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका कीपा का क्वेश्चन था मेरे ख्याल में ना। नहीं, मेरे बहुत से क्वेश्चन थे सर, कैन यू ओपन माय शीट प्लीज। अल्लाह माफ करे, आज आपने ना हमला कर दिया बहुत सारे क्वेश्चन के नाम लेके। अच्छा वेट जी, कर रही थी, मीटिंग हो तो मैं पूछूं। अच्छा जी ये रिवर्स सोर्सिंग आ गई, कितने निकाले आपने? 500 निकाले हाँ, आपने? पर मेरी दूसरी शीट भी है काइंड, वो भी चेक कीजिएगा, मैं शेयर हाँ करूँ लिंक आपके साथ।
वो वाली कौन सी नहीं, यहाँ पर जो थी वो आप प्रॉब्लम्स बताएं, वो हम बाद में वो मैं आप शीट देखूँ, लेकिन आपने यहाँ पर जो काम किया है वो चेक करते हैं पहले। अच्छा ये रिवर्स सोर्सिंग आपने स्टार्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही थी वो बताते जाए ना वन बाय वन। जी, आप ये लास्ट पे आइएगा जो मैं कर रही थी ना, बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल लास्ट में आ गए एंड हम, ये आ गए। हाँ जी सर। ये एक ऐसे लिखा हुआ है जहां पे मैंने लिखा हुआ है ब्रांड नॉट फाउंड, आप प्लीज इसका बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं जब कर रही हूँ ना, ये आई गेस ये चाइनीज या जापानीज में आ रही है वेबसाइट, और प्रॉबली ये मैन्युफैक्चरर है, लेकिन यहाँ के इसके ना वो ब्रांड्स नहीं मिल रहे इसकी। नहीं, जो ऊपर वाला है ना, जो पिंक कलर में है, पहले उसकी बात कर रही हूँ मैं, पिंक कौन से वाला? कलर में जो ऊपर है ना, ये यूके वाला नहीं है जो ऊपर, ये जो यूएस का मैं कर रही थी, वो आज ये मैं वाला स्टार्ट टू किए थे, तो वो नहीं, इससे ऊपर वाला 219 पे, 219 पे, टू ये वाला अच्छा नाइनटीन नंबर पे जो है। तो ये 219 यही है ना, चलें ठीक है, करें ओपन। ये वाला ना, ठीक जी, यही वाला है इनको ओपन करूँ मैं, ठीक हो गया। यूएसए का ये। यूएसए का, ठीक है। अब इसमें इशू क्या आ रहा था आपको? इसके ना फ्रंट स्टोर पे ब्रांड्स नहीं मिल रहे सर। अब हो सकता है कि क्या पता इसके ब्रांड हो ही ना। यहाँ पे जब मैं ओपन कर रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, जब मैं कीपा में ओपन कर रही हूँ, वो मेन लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है, जो मीन टू सेलर्स जो है वो नहीं खुल रहा, इसका भी प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा थोड़ा। ये पहले भी किसने निकाला हुआ था ये वाला ब्रांड? जी ये अब इसमें इशू के मैं यहाँ पर इसमें सेलर्स में जाऊं, जी जी सेलर्स ने की है ये। ये यूज्ड में बेचने या नजर आ रहा है ये वाला? न्यू भी है यहाँ पे सर, जूसिस का तो वो रेटिंग मैं आती बता रहा हूँ, नहीं, जो मैं जूस है। सबको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि ये जो अमेजोन, ये देखें अमेजोन बेच रहा है और ये अमेजोन वेयर हाउस बेच रहा है, ठीक है। और इनके साथ ये हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? किस चीज से फर्क नहीं पड़ता? ये वाला ये यूज्ड अमेजोन बेच रहा है ना, अमेजोन से अवॉइड करना होता है हमने। हाँ जी, वो तो उसकी तो रेटिंग भी नहीं आ रही होती। तो नहीं, वो अमेजोन, हाँ तो अमेजोन जो है ना वो अब ये यूज्ड अमेजोन बेच रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है ना यूज्ड में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क थोड़ा सा पड़ता है लेकिन वो एडवांस लेवल पर पड़ता है, अभी आप लोगों को कोई नहीं पड़ेगा यहाँ पर फर्क। इसमें ये भी यूज्ड बेच रहा है, यूज्ड बेच रहा है, एक न्यू बेच रहा है। अब इसमें जी इसमें जाते हैं, जी इसमें यही देखते हैं वाला। रेटिंग है इसकी। ये देखें, मैं यही बात कर रही थी, नीचे ये चाइनीज आ रही है, आई डोंट नो। ये वाले देखें, ये वाले ये एक तो है ही देखें, चाइनीज सेलर, ये सैलरी चाइनीज है, तो आप इस डोंट पे गए कि ये देखें लिखा नहीं हुआ, ये देखें किशमिश लिखी हुई है, मुझे समझ आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही। किधर है, ब्रांड्स तो है ही नहीं इसके। तो ये देखें ना, ये चाइनीज है ना, हमने चाइनीज सेलर पे जाना ही नहीं है। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था, ये मैन्युफैक्चरर है या ब्रांड नहीं उनका है? ये ब्रांड हो या मैन्युफैक्चरर हो हमें कोई इससे लेना देना नहीं, लेकिन हमने इस पर जाना ही नहीं ना। ये क्या पता ये ब्रांड खुद मैन्युफैक्चरर हो, क्या पता ये ब्रांड जो ना किसी से मैन्युफैक्चरर करवा के आगे अपना स्टैंप, मतलब अपना जो लोगो लगवाता हो, तो वो जो ना वो डिपेंडेंट करता है हर ब्रांड पर, वो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पीएल का क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं आप। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हमने इसकी ये फ्रंट स्टोर पर जाना है, ये कोई ब्रांड नहीं होता, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, हाँ ये ब्रांड नहीं होता, ये थर्ड पार्टी सेलर होता है। लाइक जैसे अमेजोन का मैं अकाउंट खोलूँ और मैं अपना नाम फैसल रखूँ, यहाँ पर मैं अपना ये मेरा नाम होगा यहाँ पर फैसल फ्रंट स्टोर, ठीक जी
ये ब्रांड नहीं ओके होते, ये होलसेलर जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं वो उनका स्टोर होता है। मतलब उनके स्टोर के अंदर जाएंगे, वो देख रहे होंगे कि ये जो फैसल, अगर फ्रंट स्टोर है, ये फैसल के अमेजोन का मतलब अकाउंट है, ये कौन कौन से ब्रांड सेल कर रहा है। इसी वजह से तो लोग जो है ना वो बता नहीं रहे होते अपने अकाउंट, अमेजोन के अकाउंट का नाम नहीं बता रहे होते, तो लोग हमारे जाके ब्रांड चोरी करके बेचना शुरू कर देंगे। ओके ओके सर, इट मींस फैसल यहाँ पे ही चाइनीज आ आगे गया ना, अगर अगर यहाँ पे ये हमें फ्रेंच में मिल जाए या जर्मन में मिल जाए तब भी नहीं जाएंगे हम उनके पास? नहीं, उनके बाद नहीं, हम यूएसए में ही जाएंगे, यूएसए के जो होंगे यूएसए में जाएंगे। नहीं, ये आप देखें, ये एशियन तो यूएसए का ही है ना, लेकिन नीचे ये ऐसे तो जापानीज यूएसए में का आ ही गया। है, लेकिन ये नीचे आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ये जो है ना इंपोर्ट करवा रहा है कहाँ से, चाइना से करवा रहा है। ठीक है ओके सर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अब वापस जाएंगे शीट पे। हाँ 1 मिनट, यहाँ पर किसी का क्वेश्चन था, यहाँ पर कौन बोलना चाह रहा था, हमाद भाई आपके। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि लाइक अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअली अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं अमेजोन के अंदर हूँ, तो सो मुझे जो टैग मिलेगा वो मैं एज अ होलसेलर काम कर रहा हूँ ना, जो आप ऊपर ये समझा रहे थे स्टोर फ्रंट का। स्टोर फ्रंट का, हाँ मतलब ये आपको ये रिटेलर का जो है ना वो टैग मिलेगा, आपको ब्रांड का टैग नहीं मिलेगा। सही सही, मतलब कि मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग क्या बाय प्रोफेशनल नहीं, हम लोग क्या करेंगे, होलसेलर या इस तरह से। हाँ, ये होलसेल कर रहा है ना, अमेज़न शो करवा रहा है जी होलसेल कर रहा है, ये वाला जो बंदा है जो है ना ये ब्रांड के जो है ना सही प्रोडक्ट्स है ले लेके बेचता है। सही है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा इधर 1 मिनट, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अमेज़न ये दिखा रहा है कि भाई ये खुद ब्रांड है एक, और ये एक ये खुद जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सही है सही। और जो जो ये वाला जो नाम है ना, ये वाला नाम, ये जो ये वाला नाम कभी यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको इस जगह। सही और आ भी सीखता है, बिकॉज वो इस हालत में आ सीखता है कि एक बंदा एक ही अकाउंट पे पीएल भी कर रहा हो, होलसेल भी कर रहा हो, फिर अच्छा फैसल भाई, ये पॉसिबिलिटी है कि क्या कहते हैं, अगर कोई एफबीए सेलर्स में मीटू जो सेलर्स होते हैं लाइक के, अब मिसाल के तौर पर उनकी बिलो देन 100 रेटिंग है, हमने उसमें से सेलर स्निपिंग कर ली, देन आगे हमने 2-3 प्रोडक्ट ढूंढे तो वो ब्रांड खुद ही बेच रहे हो। ब्रांड खुद, फिर हम उस पर नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ब्रांड वो डोमिनेंसी वहां पर आ जाएगी ना। नहीं उस प्रोडक्ट में नहीं, मतलब कोई हमने 2-3 प्रोडक्ट छोड़ के फिर आगे गए तो उस ब्रांड में, मतलब उस प्रोडक्ट में वो ब्रांड आया हुआ है। लाइक मिसाल के तौर पर एक फैसल है ब्रांड, ठीक है, अब वो सेलर स्लिपिंग में देख रहा हूँ बिलो देन 100 रेटिंग है फैसल की, और वो अपने मी टू के साथ वो सेल कर रहे हैं होलसेल के जैसा भी, तो आगे मैं 2-3 प्रोडक्ट्स डिफरेंस दे के 2-3 प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो फैसल जो ब्रांड है ना, फैसल ब्रांड के अंदर मी टू है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आप ये ऐसा कहना, हो सकता है या? आप ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये वाला जो ब्रांड है अगर इस एसिन के पास जाए, मतलब दूसरे वाले के पास जाए, वो भी जो सेम ही बेच रहा हो ब्रांड, हाँ तो हम एक बार लिखेंगे ना, बिकॉज हमने कांटेक्ट करना है एक बार। हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन पॉइंट जो सेलर स्निपिंग है, वो है कि हमने सिर्फ ब्रांड को कैच करना है और उसका जो है ना सिर्फ हमने कॉन्टेक्ट करना है। अगर हम यही, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टच एक्स है, अगर ये यहाँ पर टच एक्स जो है ना ये भी एसन बेच रहा हो, टच एक्स ये भी एसन बेच रहा हो, टच 10 जो है ना सेलर बेच रहे हो टच एक्स को, अब हमने 10 बार तो नहीं जाना, हमने सिर्फ एक बार जाना है। अगर आपको पता चल गया, अगर आपके जहन में कभी कभार भूल जाता है जी ये हमने यहाँ पर निकाला है, फिर यहाँ पर दोबारा फिर लिख देते हैं हम, कभी सामने आ जाता है, तो अगर तो याद आ गया आपको जी ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर जो है ना, अगर आ गया तो मिटा दें, अगर नहीं तो रहने दें। अब चेक करने का तरीका कि जो आपने ये फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिए और आपको पता नहीं कि मैंने पता नहीं कितने जो है ना सेम किए हैं, तो यहाँ पर एक तरीका बताऊँ, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल एफ दबा के यहाँ पर ये शीट आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको टच एक्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ और ये मुझे बता दिया इसने जी इस शीट में सिर्फ एक ही टच एक्स है, ठीक है। सबको समझ आ रही है मेरी? अब मैं आपको क्लियर है भाई, मैं आपको सिर्फ एज सिर्फ एक, एक, एक जो ना एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैसल, एक बार लिख देता हूँ, फिर फैसल 2 बार लिख देता हूँ, फैसल में ये 3 बार लिख देता हूँ। अब मैंने शीट को जो ना चेक करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पर फैसल कितनी बार है, मतलब इस शीट में, तो शीट क्या बताती है मुझे, अब ये क्या बता रही है, बता रही है फैसल इस वक्त इस शीट में 3 बार लिखा हुआ है।
आप इंटर जैसे करते जाएंगे वो टिक आता जाएगा कौन कौन पे, अगर तीन है तो तीन में से आपने क्या करना है इनको दोनों को मिटा देना है, तो मतलब ये दो ब्रांड को जो है मिटा देना है और एक ब्रांड लिख लेना है, मतलब सेम ब्रांड से कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं, कोई खास से फायदा नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं शमसा रहमान, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप जी। सर ये जो ऊपर एक ब्रांड है होमी, इसकी वेबसाइट नहीं फाउंड हो रही, ये वाली जी जी, यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि यूके में मैं जो भी खोल रही हूँ ना वो ज्यादा ना अमेज़न के ऊपर ही आ रहा है कि वो लगी हुई है और वेबसाइट नहीं मिल रही है। अब ये यूएसए की है, करके दिखाएं ये ऊपर वाला यूएसए का है सारा। ये देखें ये सारा अमेज़न से रिलेटेड आ रहा है, वॉलमार्ट से रिलेटेड आ रहा है, दूसरी चीजों से रिलेटेड आ रहा है। सर जब एक और क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट उसमें करूंगी यूके वाले इसमें सेक्शन में। ये एक सप्लायर की तरफ चलते हैं हम, शायद इनके पास मिल जाए। ये एक रिटेल की हमें वेबसाइट मिल गई है यहाँ पर, ये होलसेलर की जो है एक वेबसाइट है, यहाँ से भी हम जो है इसको उठा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे सर? ये वाली जो मिली है हमें वेबसाइट, अब यही इशू होता है इसमें कि अब जो सॉरी ये वाला जो हमने ये जो ये वाला सर्च किया था, अब इसका ब्रांड नेम तो उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन इसका जो वेबसाइट होगी वो किसी और नाम से होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये शो नहीं हो रही। तो अगर इसका नहीं मिल रहा तो बाजू का तो नहीं भी मिलता, तो इसको जो है ना जो आपने स्ट्रेटजीज है वो जो है ना लगानी है कि इसको ब्रांड इन यूएसए करके लिखना है, फिर खाली नाम भी लिखना है, फिर इसको एक ऐसे भी करके लिख दें, क्या पता आ ही जाए, ऐसे करके आगे .com लिख दें आप। कोई चांस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई वेबसाइट इसके नाम की बनी नहीं हुई है, उन्होंने वेबसाइट कोई और नाम की बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। जी सर यूके में ना मुझे आपसे पूछना था एज एन एक्सपर्ट के मैं सेम यूएस वाला क्राइटेरिया डाल रही हूँ कीपा पे, लेकिन मोस्टली ना वहाँ पे तकरीबन मैंने 50 एसेंस चेक किया, सब के सब एफबीएम आ रहे हैं सिवाय इस एक के मुझे जो मिला है एफबीए, तो क्या ये मैं कोई फिल्टर गलत लगा रही हूँ या फिर ये इशू है? क्राइटेरिया बताएं आपने क्या लगाया था। अच्छा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम यूएसए वाला था, वो बीएसआर 100 से लेके 60,000 आउट ऑफ स्टॉक अमेज़न प्राइस जो मैं डाल रही थी वो 5,000 नहीं लगाते हमाद, कैन यू प्लीज गाइड हर। जी फैसल भाई क्या कह रहे हैं, यूके का क्राइटेरिया आपको पता है? यूके का नहीं पता, मुझे यूएस का पता है, यूके का मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, सही तरह से नहीं पता मैं। यूके का कौन काम कर रहा है यहाँ पर? कोई नहीं कर रहा, तो यूके का जो बीएसआर है ना वो हम 30,000 लगाते हैं तकरीबन ना। सर वजह कोई खास? खास वजह ये कि वो यूके मार्केट एक छोटी मार्केट है, ठीक है,
और यूएसए मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और उसका जो सबसे हम जो बीएसआर लगाते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि बीएसआर जो लगाने का मकसद होता है वो होता है सेल जनरेट करना। अब यहाँ पर मैं एक टूल ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ बीएसआर हम लगाते हैं असल में किस वजह के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मार्केट प्लेस, अब देखें यहाँ पर आप मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सेल्स रैंक बताएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्स रैंक, लिखता हूँ 50,000, ठीक है। मार्केट प्लेस यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यूएसए, और कैटेगरी में कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी करूँ जी, ऑटोमोटिव कर लेता हूँ, दोनों की ऑटोमोटिव करूँगा। अब 50,000 यूएसए का देखें कितने सेल्स आती हैं, 90 आई मंथली। अगर हम यही चीज़ जो है ना, अब अगर हम यही चीज़ अगर यूके में लगाए तो यूके में देखे पता नहीं कितनी आती है, सॉरी कैटेगरी हम लगाना भूल गए, ऑटोमोटिव 0। अगर हम छोटी मार्केट है ना, तो अगर हम यहाँ पर लगा दें जी 20 लगा दें तो देखें 20 में क्या पता कुछ ना कुछ आ ही जाए, एक दो। ओ भाई आपको अभी देखना था, अब देखें मैंने जब 20,000 लगाया तो ये 30 सेल फिर भी दे रहा है, ठीक है, समझ आई कि नहीं? जी जी सर, जी जरूर। मतलब तो अब कितना लगाना है, 30,000 बीएसआर जो है ना, हाँ 30,000 लगाए हम जो बीएसआर सिलेक्ट करते हैं किस किस पर, ये डिपेंड करता है कि हमारे सेल निकालने के लिए जो है ना, हमने प्रोडक्ट भी तो बेचने हैं ना, हमने दादा भी तो लगाना है कि भाई प्रोडक्ट कितने लेने चाहिए और कितने अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाने चाहिए। तो हम जो टूल से जो है ना पता लगाते हैं कि भाई इतना बीएसआर होगा तो इतने प्रोडक्ट सेल होंगे, 10,000 बीएसआर होगा तो इतने प्रोडक्ट सेल होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आए और हमने 1,000 यूनिट लेके भेज दिया तो अमेजोन जो है ना वो 10 महीने वहाँ पर पड़ा रहे, तो हमने वो सारा जो है ना वो एक क्राइटेरिया लगाना है, उसके हिसाब से हमने पुट करना होता है, उसके बाद जो है ना वो हर चीज़ हो रही होती है जी। ओके हो गया। और सर यूजुअली वो FBM वाला मेरा जो रह गया था क्वेश्चन, वो मैं कहीं फिल्टर में गलती कर रही हूँ या ये इशू है यूके में? आप फिल्टर में गलती कर रही हैं, फिल्टर में आप ठीक करें अपना। मींस कहाँ पे जाके? आप सेम जो लगा रहे हैं सेम ही जो है ना सेट करें, जिस तरह आप प्रोडक्ट फाइंडर में जा रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर आपने जो 90 डेज का लगा देना है, 130 अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, उसके बाद ये FBA को छोड़ देना है। यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ किया होगा, छेड़ा होगा, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। नहीं नहीं ये कुछ नहीं छेड़ा मैंने, तो प्राइस मैं लगा रही हूँ 30 से 150। हाँ तो BSR, हाँ 30 से 150 चेंज करते रहा करें, प्राइस लिस्ट प्राइस चेंज करता रहा करें, उसके बाद कैटेगरी भी चेंज करते रहा करें, कैटेगरी जो आप लगाना चाहें। उसके बाद यहाँ पर 3 से 10 लगा दिया करें या 3 से 12 लगा दिया करें। उसके बाद 3 से 7 लगा रहे हैं। कितने? 3 से 7। इतना का क्राइटेरिया स्ट्रक भी ना लगाएं, आप 3 से 12 या 10 लगा दें, आप तो बिल्कुल ही वो निचोड़ निकाल के, इतने वो ब्रांड नहीं, इतने बड़े बड़े ब्रांड आएंगे फिर वो, हाँ वो बड़े वाला जाला लगाए ना कुछ, या मैं डिजिटल प्रोडक्ट को हटा देना है, यहाँ से चेक हटा देना है। अगर नो वेरिएशन पे देखना है, क्योंकि हमने वेरिएशन पे नहीं जाना, नो वेरिएशन पे क्लिक करके देख लेना है, अगर तो 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स बचते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या कर देना है यहाँ पर आल पे करके ओनली शो वन वेरिएशन पे क्लिक करना है, क्यों नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन पे हम नहीं जाते,
वो कैसे होता है, ऐसे होता है कि अब 10 वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है, वैसे कपड़े पर तो नहीं जाता, एग्जांपल के लिए उठाऊंगा, अगर मतलब एक टी शर्ट है तो उसमें कलर हैं, 3 कलर हैं, ठीक है, ब्लैक, वाइट और रेड है। अब ऐसा होता है कि लोगों को क्या पता, अब रेड किसी को पसंद है, किसी को वाइट, तो किसी महीने में जो है ना वो सेल हो रही होती हैं, रेड सेल हो रही होती हैं, 10 सेल हो जाएं, और जो है ना 50 जो है ना वो ब्लैक सेल हो जाएं, तो मतलब सेल में वो फ़र्क आ जाता है। तो हम बस इसी चक्कर में रहते हैं, तो वो मतलब इन्वेंट्री भी जमाने के चक्कर में रहते हैं, उसको इन्वेंट्री भी जाते रहो, होती है, करते रहो, वो करते रहो, इसलिए हम वेरिएशन में जाते नहीं, और वेरिएशन में काफ़ी मुश्किल भी आती हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर ये BSR जो आपने अभी चेक किया है, तो ये हम जंगल स्काउट पे चेक कर सकते हैं, कीप अप नहीं कर सकते? नहीं, कीप अप नहीं कर सकते, BSR नहीं चेक किया मैंने, सेल्स चेक की है, वो सेल्स यूके के लिए जो ना हम यूके के लिए जो टूल यूज करते हैं वो सेल्स जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर इस्तेमाल करते हैं, और USA के लिए और इस्तेमाल करते हैं FBA टूलकिट। कौन सा टूल बताया सेल के लिए? FBA टूलकिट। ये बंद होने वाली, दोबारा मैं मीटिंग की लिंक सेंड करता हूँ। ये नक्शा मुबारक है, ठीक है, इसमें हम वो लगाते हैं, ठीक है जी, ठीक है। यूके के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, यूएसए के लिए ये करते हैं। किसी का क्वेश्चन है और मैं दोबारा लगाऊंगा।